सिनेमा की दुनिया में इन दिनों एक बेमतलब की बहस छिड़ी हुई है। यह बहस है बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा की। फिल्मी सितारों से लेकर सोशल मीडिया तक पर खूब कीचड़ उछाला गया। किसी ने बॉलीवुड को कोसा तो किसी ने साउथ सिनेमा को ताना मारा। हिंदी फिल्मों के लिए तो यहां तक कहा गया कि यहां सिर्फ रीमेक फिल्में ही बनती हैं। यह सच है कि बीते एक दशक से रीमेक फिल्मों का दौर बढ़ा है, लेकिन यह सिर्फ हिंदी के साथ नहीं है। बात अगर फिल्मों के रीमेक की ही है तो साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत का डूबता करियर भी कभी अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक के कारण ही बच पाया था। वो भी एक दो नहीं बल्कि 11 फिल्मों में। वो भी तब जब डूबते करियर से परेशान रजनीकांत ने लगभग तय कर लिया था कि वो सिनेमा की दुनिया ही छोड़ देंगे। एक डॉन बिल्ला अमिताभ बच्चन की 1978 की सुपरहिट फिल्म डॉन को तमिल में 1980 में बिल्ला के नाम से रिलीज किया गया। यह रजनीकांत की करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। कमल हासन को पछाड़कर नंबर एक बन गए रजनीकांत। बिल्ला की सक्सेस ने रजनीकांत के करियर को नया मोड़ दिया। उन विरोधियों को भी मुंह की खानी पड़ गई जो यह दावा कर रहे थे कि रजनीकांत अब खत्म हो गए हैं। सच यही है कि अमिताभ की डॉन के रीमेक बिल्ला ने ही रजनीकांत को दक्षिण भारतीय सिनेमा का नंबर एक स्टार बनाया। उन्होंने इस फिल्म की सक्सेस से कमल हासन को पछाड़ दिया। दो अमर अकबर एंथनी शंकर सलीम साइमन। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना स्टार अमर अकबर एंथनी को रजनीकांत के साथ दक्षिण में दो बार बनाया गया था। 1978 में रजनीकांत ने तमिल में शंकर सलीम साइमन टाइटल के साथ फिल्म का रीमेक किया। इसमें विजय कुमार ने शंकर, जय गणेश ने सलीम और रजनीकांत ने साइमन का किरदार निभाया। बाद में इसी फिल्म को तेलुगु में रॉबर्ट, राम, रहीम के नाम से रीमेक किया गया। इसमें कृष्णा ने रॉबर्ट, रजनीकांत ने राम और चंद्र मोहन ने रहीम का रोल निभाया। तीन खून पसीना शिव। अमिताभ की 1977 में रिलीज सुपरहिट फिल्म खून पसीना को 1989 में तमिल में रजनीकांत के साथ शिव के टाइटल से रिलीज किया गया। चार त्रिशूल श्री भरत। साल 1985 में अमिताभ की ब्लॉकबस्टर फिल्म त्रिशूल का भी रीमेक किया गया। मिस्टर भरत टाइटल से रिलीज हुई इस फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में थे। फिल्म साउथ में भी ब्लॉकबस्टर थी। पांच लावारिस पनक्करण। फिल्म लावारिस में अमिताभ बच्चन की शानदार एक्टिंग की आज भी दाद दी जाती है। साल 1981 में रिलीज इस हिंदी फिल्म को 1990 में रजनीकांत के साथ पनक्करण टाइटल के रूप में रिलीज किया गया। छह मर्दमावीरन। साल 1985 में रिलीज अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द आज भी अपने डायलॉग्स के लिए खूब पॉपुलर है। साल 1986 में मावीरन टाइटल से इस फिल्म को साउथ में रीमेक किया गया। लीड रोल में रजनीकांत थे। सात नमक हलाल वेलेकरन। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की सुपरहिट फिल्म नमक हलाल हिंदी में 1982 में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में रीमेक किया गया। वेलाइकरन में एक बार फिर अमिताभ बच्चन वाला रोल रजनीकांत ने किया था। आठ खुद्दार पदिकथवन। अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा और परवीन बाबी स्टार खुद्दार को साल 1985 में तमिल में पदिकथवन के नाम से रीमेक किया गया। लीड रोल में अमिताभ बच्चन वाला किरदार रजनीकांत ने निभाया था। नौ दीवार दी। यश चोपड़ा की दीवार ने सिल्वर स्क्रीन पर जादू चलाया था। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर इस हिंदी फिल्म में थे। रजनीकांत ने फिल्म को तमिल में रीमेक किया। अमिताभ बच्चन वाला रोल निभाया और दी नाम रखा। दस मजबूर नान वजहवाई पेन। साल 1974 में रवि टंडन ने मजबूर का डायरेक्शन किया था। अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। पांच साल बाद तमिल में 1979 में रजनीकांत ने इस फिल्म को नान वजहवाई पेन नाम से रीमेक किया। 11 कस्मे वादे धर्मथिन थलाइवन। रजनीकांत की धर्मथिन थलाइवन भी अमिताभ बच्चन की ही फिल्म का रीमेक है। बॉलीवुड की कस्मे वादे में जहां अमिताभ बच्चन के साथ रणधीर कपूर थे, वहीं फिल्म के तमिल वर्जन में रजनीकांत के साथ प्रभु, सुहासिनी और खुशबू मुख्य भूमिकाओं में थे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।